ये सर्जिकल स्ट्राइक्स फेक है। एक बंदा पाकिस्तान का मरा हुआ आप सर्जिकल स्ट्राइक में दिखा दे। जो बीजेपी है वो एक गंगा जल की नदी है और जितना गटर उसमें समा जाता वो गंगा जल बन जाता है। जो बीजेपी में आ जाए वो दूध का धुला हुआ जाता है, जो उनका पल्ला ना पकड़े वो करप्ट है। बीजेपी छोड़कर जो लोग अनदर पार्टीज में वो हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू को नहीं मानते है क्या? किसानों का बिजली 5000 महीना का आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बताइए आप? आपके घर पे क्या किया उन्होंने? सिलेंडर आपको 400 का मिल रहा है क्या? जब सरकार बंदी रुका तो 15-15 लाख रुपए हर साल में आएंगे, मतलब 15-15 लाख रुपए किसके 15 रुपए? दिल्ली पुलिस के अंडर है तो छेड़छाड़ तो होएगी ना दिल्ली पुलिस के अंडर में। कुछ भी बोल सकते हैं, मोदी की सरकार चल रही है, ईडी भी उनकी है, सीडी भी उनकी है, सरकार भी उनकी है, सब कुछ उनका है। नमस्कार, मैं सीता सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर से यहाँ पे जमा है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेखामणि शर्मा पठानकोट से, आज हम पठानकोट से दिल्ली आए हैं अरविंद केजरीवाल जी के हुक्मों के अनुसार। आज एक तो हमारा 23 तारीख है, शहीदी दिवस है भगत सिंह जी का और सुखदेव जी का, और दूसरा यहाँ पे हमारे मुद्दे हैं कुछ ऐसे कि जैसे हमारे मनीष सिसोदिया जी को थ्रेट किया जा रहा है मोदी की सरकार की तरफ से, सत्येंद्र जैन जी को किया जा रहा है, और जो हमारा बजट पास होना था उसको एक दिन के लिए फिर से इन्होंने रोक दिया। ये मुद्दे लेकर हमारी पंजाब से पूरी टीम यहाँ पर आई है और हम इन्हीं मुद्दों के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कोई वजह नहीं है, कोई करप्ट नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के घर में जब क्या था, उनको कुछ नहीं मिला, अब ये आगे बस उनकी वो बढ़ाई जा रहे हैं कि हमें इनके लिए और टाइम दे दो पूछताछ के लिए। ईडी सीबीआई गलत नहीं बोल सकती ना, ईडी सीबीआई ने जांचा है उसके बाद कुछ भी बोल सकते हैं, मोदी की सरकार चल रही है, ईडी भी उनकी है, सीडी भी उनकी है, सरकार भी उनकी है, सब कुछ उनका है, ठीक है ना? क्यों नहीं बोल सकती ईडी झूठ, सब कुछ बोल सकती है। मोदी सरकार से सारे खुश हैं, सिर्फ आप ही लोग जो विपक्षी हैं सारे बुरे हैं। वो हम जब से दिल्ली में आए यही सुनने को मिल रहा है ऑटो वाले से, ये वाले से कि मोदी जी को सरकार भगाओ और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकर आओ। वो तो आम आदमी पार्टी को भी गलत बोलते हैं, अभी देखिए उधर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। मोदी सरकार से क्यों नाराज हैं आप लोग? देखिए वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस प्रकार के वो जो हैं हथकंडे अपना करके, झूठे इल्ज़ाम लगा करके हमारे इतने मेहनती और ईमानदार नेताओं को, सत्येंद्र जैन जी को, अपने मनीष सिसोदिया जी को नाजायज उन्होंने फंसा करके घोटाला किया है, तभी तो सरकार बोल रही है। घोटाला तो अभी तक हमने देखा नहीं, कहीं साबित तो हुआ नहीं है। घोटाला तो कहीं भी अभी तक साबित हुआ नहीं है, ना उनसे कुछ बरामद हुआ ना कुछ मिला है, सिर्फ झूठे केसों में फंसाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है ये, और कुछ नहीं है ये। आप लोगों के खिलाफ भी तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे खिलाफ इतने प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। अगर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला तभी तो 5 दिन और मांग रहे हैं। बीजेपी आगे बहुत सालों तक राज करेगी यहाँ भारत पे, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी बोलती है विपक्षी है, यूं ही बोलते रहेंगे और हम राज करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करेगी। पंजाब में भी दिल्ली वाला माहौल हो गया, जो वो दिल्ली में दे रहे थे वही पंजाब में मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, जो जो उन्होंने वादे किए थे। आज हमारे पंजाब का माहौल इतना अच्छा हो चुका है कि हम बता नहीं सकते कि दिल्ली जैसा ही माहौल है। और आने वाले टाइम में हम एक ही बात बोलेंगे कि हमारे अरविंद केजरीवाल महिलाओं के साथ तो इतना गलत हो रहा है, छेड़खानी की खबरें आती रहती। छेड़खानी पहली सरकारों में भी होती थी, क्राइम पहली सरकारों में पहली सरकारों में होती थी तो अभी भी होंगी, लेकिन वो दिल्ली पुलिस के अंडर है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के अंडर है ही नहीं है, वो दिल्ली पुलिस के अंडर है, तो छेड़छाड़ तो होगी ना दिल्ली पुलिस के अंडर में, ठीक है ना? यहाँ पे मोदी की सरकार है। देखिये बजट क्यों रोका गया है? ये बजट आप समझ ही रही हैं, ये हथकंडे अपना रहे हैं। आम आदमी की पॉपुलैरिटी, जो आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही है, उनसे ये परेशान हो रहे हैं। अब जब सिसोदिया जी की बात कर रहे हैं, ईडी की बात कर रहे हैं, ईडी क्या है? ईडी जब लाई गई, ईडी का काम क्या था? ईडी का कोई काम था? ईडी का काम था कि सरकारी खर्चों पर नज़र रखना। 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट हुई थी और उसे मनी बिल के तरह पेश किया गया। आप जानते होंगे कि मनी बिल राज्यसभा में नहीं लाया जाता, सीधा राष्ट्रपति के पास ले जाता और उसके बाद उसको लोकसभा में पेश किया गया। अगर आप चोर नहीं हैं तो मनी बिल क्यों कह रहे हैं, राज्यसभा में क्यों नहीं ईडी की? और जब ईडी की संशोधन हुआ उसमें पता आपने कितनी पावर्स दी हैं ईडी को? उसको कहीं पर भी रेट करने की पावर दी गई है,
किसी को अरेस्ट करने की पावर है, कहीं पे वो चार्ज शीट दायर करने की पावर है। एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरी पहले मेरी बात सुनिए, ईडी को इतनी सारी पावर देने का क्या मतलब है? ये उनका कोई भी जब सरकार आती है ईडी सीबीआई को अपने लिए यूज करते हैं और ईडी को वो प्रॉपर यूज कर रहे हैं। जो आप बात करें जिस केस में सिसोदिया जी को अंदर किया हुआ है, वो एलजी के पास से होकर पॉलिसी आई थी, तो एलजी साहब को भी तो अंदर कर दो, जिन्होंने उस पॉलिसी को किया था शराब की। जो आप मुझे एक बात बताइए, आज तक कभी सुना है कि बीजेपी के किसी नेताओं ने करप्ट किया है? होता ही नहीं है, वो लोग राम राज्य वाले हैं, वो लोग। मैं बताता हूँ ना, राम राज्य कैसे है? नारायण आने का नाम सुना आपने? नहीं सुना होगा, सुना कि नहीं सुना मेरा? हिम्मत विश्वास का नाम सुना? अर्जुन खोटकर का नाम सुना? ये कौन है? ये सब के सब ईडी और सीबीआई इनके ऊपर रेड हुई है। इस समय जो बीजेपी है वो एक गंगा जल की नदी है और जितना गटर उसमें समा जाता है वो गंगा जल बन जाता है। जब नारायण राणे के ऊपर घपले का सीबीआई ईडी ने दबिश दी तो नारायण राणे जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पहले उन्होंने एक 2017 में अपनी पार्टी बनाई, साथ में कह दिया हम एनडीए का साथ देंगे। अर्जुन खोटकर को उन्होंने दबाया तो शिंदे के बगल में आ गए। आपका हिम्मत विश्वास जो आज जिसका नाम शारदा चिटफंड का नाम सुना आपने, जो घपला हुआ था उसमें पूरा नाम था, और आज कौन है वो? आज असम के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंद्र अधिकारी का नाम सुना है, जो आज वेस्ट बंगाल में ओपोजिशन में? सुनिए बात सुनिए, कोयला वंटन में उनका पूरा हाथ था। जब कोयला वंटन के ऊपर सीबीआई ईडी की रेड दबिश हुई तो उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से इलेक्शन लड़के ओपोजिशन के लीडर बैठ पड़े। जो बंदा करप्ट है, जो बीजेपी में आ जाए वो दूध का धुला हुआ जाता, जो उनका पल्ला ना पकड़े वो करप्ट है। ये तो आप संजय सिंह की बात बोल रहे हैं। मैं संजय सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सर्वे करके इसका करके देखिए। मैं संजय सिंह की बात नहीं बोल रहा हूँ, जैसे संजय सिंह ने बातें नहीं बोली हैं जो मैंने बोली हैं। जी वो बोलते हैं अपनी स्पीच में बोलते हैं। तो सीबीआई और ईडी है क्या, बताइए ना आप, क्या है ईडी? ये इनके आप लोग करप्ट करते हैं तभी तो अभी देखो वहाँ बिहार में भी। मेरी एक सुनिए बात, कितने एमपी हैं एनडीए में और खुद पार्टी के 284-85 एमपी हैं? क्या सबके सब दूध के धुले हुए हैं? जो कांग्रेस और अनदर पार्टी से आए हुए हैं, जिनके ऊपर सीबीआई केसेस चल रहे थे, ईडी केसेस चल रहे थे, वो आके जा खत्म हो गए? सवाल ले लीजिए, देखिए पूरे विश्व पटल पे भारत अपना नाम कर रहा है वो बीजेपी के बदौलत। चाइना को मार भगाया यहाँ से वो बीजेपी के बदौलत, ठीक है? पूरे विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है और हिंदू राष्ट्र बना, सबसे पहली बात हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया। मैडम राम मंदिर जो बनना था वो बन के रहना था, ये पॉलिटिशियन की देन है, उसको रोका हुआ था। 370 में आम आदमी को क्या फायदा हुआ हमें बता दीजिए, कि 370 का मुझे तुझे आपको उसको छोड़िए। आप बात उसमें जमीन खरीद सकते हैं, आप कौन कहता है जमीन खरीद सकते हैं, जाके खरीद के दिखाइए एक इंच भी जगह अभी भी जे एंड के में। बात उस टॉपिक पे आइए कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, लोगों को जबरन बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, ओपोजिशन में कोई लीडर ना रहे, जो ओपोजिशन में ये जो सिसोदिया साहब हैं एजुकेशन में क्रांति लाने वाले बंदे हैं, आप नहीं चाहते कि एजुकेशन में क्रांति आए? क्या आप श्रीलंका और बेंगलुरु जैसे हालात चाहते हैं इंडिया के, कि इनकी क्रांति लाएंगे तो कितना भी करप्शन करेंगे? आप मेरे को बताइए कि ये आम जो बीजेपी के आप गुणगान कर रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं ये गरीब बंदों की पार्टी है, सिलेंडर देखिए कहाँ के कहाँ दाम है, 5 रुपए बढ़े थे। मैं आज भी वो फोटो नहीं भूलता हूँ जिसमें स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज जी तो आज इस दुनिया में नहीं है, वो ऐसे पीट रही थी जैसे किसी जवान औरत का 20 साल का लड़का मर गया हो, वो भी नहीं इतनी पीटी होगी अपने बेटे की मौत पे जितना 5 रुपए सिलेंडर बनने पे सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी रोई थी। अभी बीजेपी सरकार बढ़ा भी रही है तो क्या दिक्कत है, रोजगार भी तो दे रही है। रोजगार अच्छा आइए, अब आप बताइए रोजगार कहाँ है, बताइए कहाँ पे रोजगार मिल रहे हैं? वो कहते हैं हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी नहीं खत्म करेंगे, हम गरीब ही खत्म कर देंगे। 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रही है मैडम, आपको आंकड़े नहीं पता, 70 करोड़ हिंदुस्तान के पास
सिर्फ 5% सरमाया है भारत का और 5% लोगों के पास हिंदुस्तान का 40% सरमाया है। कौन है वो? वो आपको भी पता है अडानी, जिनके पास है तो आपको अडानी अंबानी ये जो फेक कंपनियों के साथ अदला बदली लोगों को तो मौका मिल गया अडानी अडानी नहीं मौका क्या मिला, वो बिजनेस मैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, जो फेक कंपनियां बनाकर आदान प्रदान कर रहे हैं शेयर मार्केट में, जो आप सब जानते हुए भी अनजाने बने रहे तो वो अलग चीज है। बात को एक्सपोज करें कि वो कौन 5% लोग हैं जिनके पास हिंदुस्तान का 40% है और 70 करोड़ हिंदुस्तान का सवाल सिर्फ हिंदुस्तान का 5% सरमाया है। वो जो 5% लोग हैं वो अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं कर रहे हैं। आज अडानी और अंबानी हिंदुस्तान छोड़ दें तो आपको बैंकों की गिनती पता है जिनके ऊपर ताले लग जाए। LIC का क्या हाल हो रहा है, किन लोगों के पैसे हैं, मजदूर बंदों के पैसे हैं, मुझे को तरस आता है 300-300 रुपया दिहाड़ी लगाने वाले बंदों ने इन्वेस्ट किए हैं लाइफ इंश्योरेंस में। वो तो हिंडनबर्ग बदनाम कर रहा है, एक चीज जब कौन बदनाम कर रहा है हिंडनबर्ग, क्या बात है मैडम, आप सब जान के कितने हजार करोड़ रुपया LIC से अडानी अंबानी को दे दिया गया, वो बदनाम कर रहे हैं भारत को, बदनाम भारत अच्छा कर रहा है विश्व पटल पे तो बदनाम कर अगर अगर अब वो टाइम दूर नहीं है, इसकी अर्थव्यवस्था का ग्राफ गिरने वाला बहुत जल्दी, संभाले भी नहीं संभलेगा, ये बात आपको हम कह दें। सरकार का पलटना बहुत जरूरी है। आप लोगों को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए क्या? हमें हिंदू, अच्छा मतलब हिंदू, हम हिंदू नहीं है क्या? नहीं, जो मतलब कांग्रेस बीजेपी मतलब बीजेपी छोड़कर जो लोग अनदर पार्टीज में वो हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू को नहीं मानते क्या? बीजेपी कैसे जीत रही है तो 3 साल अगर हिंदू राज्य है, उन्होंने हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं, बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी शर्म की बात है, उन्होंने कहा कि गौ मास हिंदुस्तान में बंद नहीं होगा, अमित शाह जी कह रहे हैं आपके, हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं, किस राज्य किस कौन से जी? राम राज्य हिंदू राज्य की क्या आप दे रहे हैं? गौ मास हिंदुस्तान में बंद नहीं होगा, आप है ना कि नहीं है? आप इतना बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं तो जनता कैसे जीत रही है, जनता कैसे जिता रही है? जनता आप जो जे जे ये बात सुनो, ये जो मशीन से वोट गिर रहा है, इन्हें बैलेट पेपर पे वोट क्यों नहीं करते बताइए आप? बैलेट पेपर से वोट गिरनी चाहिए, बैलेट पेपर से वोट गिरनी चाहिए, बैलेट पेपर से क्यों नहीं वोट गिरती है बताइए आप? जब तक EVM मशीन रहेगी ये ऐसी करते रहेंगे धांधलेबाजी इसमें। EVM को EVM तो कांग्रेस ने लाया था, वो बीजेपी सरकार की नहीं, क्यों नहीं पर क्यों लगाते? पहले चुनाव जो 70 सालों से जो चुनाव होते आ रहे बैलेट पेपर से होते आ रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करती सरकार ये बताइए आप? इनकी तानाशाही चल रही है, जान मानना सरकार काम कर रही हो, भ्रष्टाचार रोकने का काम नहीं कर रही कुछ भी सरकार, भ्रष्टाचार तो रोक रही है सारे विपक्षी नेता, जो भ्रष्टाचार है उसको जेल में डाल रही है। आप से 10 साल पहले 100 रुपए बिजली बिल आता, 1500 बिजली बिल आ रहा है घर घरेलू बिल, किसानों का बिजली 5000 महीना का आ रहा, कहां से आ रहा बताइए आप? भ्रष्टाचार सोच रहे बताइए आप? अपने भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर हर सुविधा दे रही है, महिला के लिए शिक्षा विभाग, एक शिक्षा विभाग की समझाई उसे मनीष सिसोदिया को गंदा कर दिया गया, बता कहाँ तक कहाँ की जनमान सरकार बताइए आप? मनीष सिसोदिया की योजना करा बताइए आप? आप लोग चाहे कुछ भी कर लीजिए, बीजेपी सरकार को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। आप कैसे इस बात को कैसे कह रहे हैं आप बताइए आप? जब गृह मंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री जब तक बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो इन्होंने क्यों इस बार कभी को नहीं महंगाई पे कभी क्यों नहीं कर रही बताइए आप? जब सरकार बंदी रोका तो 15-15 लाख रुपए हर साल में आएंगे, बता 15-15 लाख रुपए किसके, 15 रुपए 1 रुपया किसी का? आप इस बात को क्यों कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने काम कर दिया, थोड़ी कह रही हूँ ये अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, उनको उनसे उनसे कहने से क्या होगा बताइए आप? देश चुनाव की न जीता, देश की जनता ने जीता, वो नकल जितना चुनाव अमित शाह जी ने बताइए आप? देश की जनता उनको प्यार करती है इसलिए तो वो इतने किसने कुछ नहीं है बताइए आप? मनीष सिसोदिया जी को, उनको मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे पंजाब के CM भगवंत मान जी को प्यार करती है दुनिया। हाँ। और चाहते हैं कि अब ये लोग आए, ईमानदार लोग आए और लोगों को रोजगार, हमारे भगवंत मान जी ने इस टाइम 25,000 नौकरियां पंजाब में दी हैं, जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए, हमारे जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं वही हमारे पंजाब में हो रहा है, हमारी पंजाब की जनता खुश है। हमने मोदी जी से क्या लेना है? आज से 70 साल से लोग बीजेपी और कांग्रेस को वोट डालते आए हैं, आज तक मेरे को बता दो कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये लोग चाहते हैं मनीष सिसोदिया जी को क्यों अंदर डाला उन्होंने जेल में, कि स्कूल अच्छे बना दिए, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और ये बीजेपी और कांग्रेस वाले बोलते हैं हमारे बच्चे पढ़े ना और हमारे बच्चे बाहर जाके लेबरगरी करें, बाहर किसी के अंडर में रह के, हमारे अगर ये चाहें तो हमारे देश में इतनी नौकरियाँ हैं कि नौकरियाँ मिलने से ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये हमारे बच्चों को बेरोजगार रखना चाहते हैं। और
जो क्राइम है, क्या बीजेपी और कांग्रेस के टाइम पे क्राइम नहीं था? ये हमारी सरकार के टाइम पे जानबूझ के धर्म के नाम पे दंगे फसाद करवा रहे हैं, ताकि ये मनीष सिसोदिया जी और हमारे अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब में हमारी भगवंत मान जी की सरकार को बदनाम करें। लेकिन लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, लोगों को समझ आ चुकी है कि हमने किस सरकार को वोट डालना है, किसको नहीं। हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है। हमारा एक ही नारा, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर आओ और मोदी जी को भगाओ। 2024 में केजरीवाल आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे 2024 में, अरविंद केजरीवाल जाएंगे 2024 में। हमारा शिक्षा विभाग पे, स्वास्थ्य विभाग पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे, बिजली के उसमें पानी पे सब फ्री कर रखा। बताइए, कांग्रेस बोल रही है वो आएंगे, आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस, इन दोनों का गठबंधन है, इन दोनों का गठबंधन है। क्या बोल रहे हैं आप? भाजपा का कांग्रेस का गठबंधन है, ये कैसे बोल सकते हैं आप? ये हम सही कह रहे हैं, साबित कर रहे हैं कांग्रेस का भाजपा गठबंधन है, आम आदमी पार्टी के उसमें। सुनो, हम उसमें कोई नहीं, हमें जो काम मिल रहा है। ये बोल रहे हैं भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन है। हाँ जी, तुसी आप सवाल किया कि कैसे आप कैसे विश्वास से कह सकते हैं कि 2024 में अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं। जब पहली बार इलेक्शन हुआ था तो शीला दीक्षित सीएम सी दिल्ली की, वो बोल रही थी, जब पत्रकार ने सवाल किया भी आम आदमी पार्टी की चीज़ है, कौन से मैंडिका, तो शीला दीक्षित जी ने उदो पता लगे जो मैंडिका ने मगरमच्छ चब के रखते सी। इस तरह असी 2024 दे विच भी बीजेपी नू असी चब के रख देंगे। बीजेपी तो जीतेगी क्योंकि अमित शाह बोल रहे हैं बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। कहने से क्या होता है? एक मिनट, एक मिनट, पंजाबी में कहावत है, सौन दे अन्ने नूं हरा दिखदा, तुहानूं गोदी मीडिया नूं सारा उह जितदे नजर आउणगे। अब हमारे पंजाब में बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन आज तक गठबंधन में सरकार आती थी। हमारे पंजाब में पहली बार 92 सीटें लेके सिंगल सरकार आई अरविंद केजरीवाल जी की। और हम क्या चाहते हैं? हमारे ऊपर, हमें यहाँ पर भी विश्वास है, हमें किसी की बातों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा एक ही नारा, मेरा लास्ट एक नारा है, मोदी भगाओ, अरविंद केजरीवाल लाओ, जय हिंद जय भारत। मोदी तो नहीं भागेंगे, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बोल रहे हैं हिंदुओं को दिक्कत ही, हिंदुओं को कष्ट हो रहा था, मोदी जो है हिंदुओं के लिए देवता है और वो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ताकि मुस्लिमों से और अन्य जो लोग अल्पसंख्यक से जो उन्हें दिक्कत हो रही थी, अब जब मोदी सरकार आ गई है तो अब सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए तो हम भगाएंगे ना, उसको कल्ला हिंदू दिख रहा, बाकी जो जाति रहती है वो कहाँ जाएं? धर्म के नाम पर हमें भड़काते हैं, हम सब भाई भाई हैं, इसीलिए मोदी नहीं आएगा। जो अरविंद केजरीवाल जी का नारा और उसने जो रिकॉर्ड पैदा किए हैं, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को लोग प्यार नहीं देते तो दूसरी बार कैसे चुन लेते? अगर जे रिकॉर्ड तोड़े है, जे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो पूरे 70 साल का इतिहास तोड़ा, 92 MLA लेकर आई है, सभी कचरा वचरा कर दिया। तो पंजाब का माहौल इतना बढ़िया है, 2024 में कौन बनेंगे? आम आदमी पार्टी बनेगी जी, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का बोलबाला होगा। लेकिन जनता तो कह रही है हम उसी को बनाएंगे, बीजेपी को बनाएंगे। मैं यही तो बात बोल रहा हूँ ना, जनता जो बीजेपी के वर्कर है, जो गोदी मीडिया वो बोल रहा, जो पब्लिक का आप मीडिया में जाके देखिए, सारे लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी का डंका है। आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी एज क्या है? आप बोलिए, आपसे जो मैं सवाल जो पूछ सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपसे जो सवाल जो आपने पूछा उसका सवाल जवाब दे रहा हूँ। आपकी एज क्या है? नहीं, आप जो सवाल मैं जो पूछ रहा हूँ उसको जवाब दीजिए। आपकी एज क्या है? मेरी एज छोड़िए, ये बताइए आपकी एज क्या है पहले। आपकी एज से आपको क्या मतलब है? आपसे जो सवाल किया जा रहा है, कैसे कह रहे बीजेपी आएगी? मेरे को कैसे बोल रहे हैं बीजेपी आएगी? मैं कहाँ बोल रही हूँ? अमित शाह बोल रहे, सारे नेता बोल रहे। नहीं, आप हमारे बार 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 आप मेरे मुँह से बुलवा रहे हो भी आप बीजेपी आएगी। हम तो कहते नहीं आएगी, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। कैसे चोर है? ये सारे काम नहीं, अभी बताओ ये अडानी और अंबानी ने क्या किया आपके साथ? आपके घर पे क्या किया उन्होंने? सिलेंडर आपको 400 का मिल रहा है क्या? आपको सिलेंडर बीजेपी में है अडानी जी? बीजेपी ज्यादा, जब पहले स्मृति ईरानी थी वो सिलेंडर लेके ऊपर भाग रही थी, अब कहाँ है वो? नहीं नहीं, आपने बोला अडानी बीजेपी में है। बीजेपी है कैसे बीजेपी? अरे भैया वो मोदी के साथ में है। तो मोदी के साथ में वो बीजेपी में? और क्या है? और बीजेपी है और बिजनेसमैन है। कौन बिजनेसमैन है? मोदी क्या है? मोदी उनके साथ में ही है। आप ऐसे पूछ लीजिए,
नहीं वो मोदी कौन है, मोदी बीजेपी का है और अडवाणी उसका है, ये सभी एक चट्टे बट्टे हैं, ये सारे एक चट्टे बट्टे हैं। तो आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी, आप मेरे से बुलवा रहे हैं, लेकिन ये मैं ही आपसे आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपकी एज बताओ पहले क्या है, आपकी एज से पहले क्या था, नहीं आपकी एज से पहले कौन सी पार्टी थी, आपकी एज से जब जितनी आपकी एज है उससे पहले कौन सी पार्टी देखी आपने, देखिए आपने हमारे पंजाब के अंदर 5 सीटों से अब तक जीता नहीं किसी ने, आज हमारे पंजाब के अंदर इनकी 4-5 सीटें आती है शुरू से, अभी अगली बार ये भी खत्म हो जाएगी। देखिए ये मेरा कहना नहीं है, ये जनता का टीवी का ये जनता खड़ी है, इनसे पूछो, ये जनता खड़ी इनसे पूछ लो, अभी बीजेपी आएगी नहीं आएगी, हम कहते केजरीवाल आएंगे, हम कह रहे हैं केजरीवाल जी आएंगे। आपके पार्टी के तो लोग करप्ट हैं, कौन का बताओ, सारे जेल में कहा उन्होंने दिख रहा है, अरे भाई सतेंद्र ये डाल रहे हैं, इन्होंने अच्छा काम किया, इनको दिख नहीं रहा, को देखा है कभी जेल में जाते हुए, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, हो जाएगा सारा, ये दिख रहा है इनको भी अच्छे काम रहे, अच्छे काम करने को तो है ना, अच्छे काम करेंगे उनको, ये कैसे करेंगे, उनको दिख रहा है आगे बच्चे पढ़ जाएंगे करेंगे, हमारे लोग हैं कनाडा जाते हैं 6-7 लाख रुपए टिकट लेके जाते हैं, वहाँ अच्छे काम करते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते भाई, अभी लॉकडाउन था, इन्होंने 3 लाख की 1-way टिकट कर दी, हमारे लोग फिर भी लेके गए हैं, आप लोग वहाँ काम करते हैं, उन्होंने आप लोग तो विश्व पटल पे नहीं देख रहे हैं, पूरा चाइना वाले भी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, चाइना में तो मोदी का कोट पड़ रही है, देखा कर रहे हैं तो उसका आप चाइना में चाइना के रहने वाले यहाँ के रहने वाले, ये बताओ चाइना के न्यूज़पेपर ने छापा है कि मोदी अमर रहे, मैं ये कह रहा हूँ चाइना गए आप कभी नहीं, आप देखे गए, अमृता मुर्दे को बोला जाता मैम, मोदी मुर्दा तभी तो बोल रहे अमर है, जिंदा तो अरविंद केजरीवाल है जो लोगों के मुद्दे लेकर आ रहा, हाँ वो जिंदाबाद है, सिसोदिया जी जिंदाबाद है। आप मेरे को बताइए चाइना कभी हिंदुस्तान से लड़ सकता है, मेरे को बताइए, अरबों रुपए का बिजनेस है उसका हिंदुस्तान के अंदर, जिनका अरबों रुपए का बिजनेस होता है ना वो लड़के, बहुत सारा ऐप बंद कर दिया है मैडम, कुछ नहीं बंद हुआ, जो हम लोगों की शोर है, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स फेक है, एक बंदा पाकिस्तान का मरा हुआ आप सर्जिकल स्ट्राइक में दिखा दे, हमारे पुलवामा में मरे थे ना, उनकी बॉडी उनकी बीवियों ने चूड़ियाँ तोड़ी थी ना, वहाँ तो किसी की पाकिस्तान के अंदर चूड़ी नहीं टूटी, ये जो वीडियोस दिखाते हैं खुदेड़ दिए, ये मिली भगत है ना, बेवकूफ बनाए लोगों को। आप लोग की इस वीडियो पे क्या कमेंट है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, धन्यवाद।